वीर वीर। तो गाइस मैं अभी ये स्प्राउट्स खा रही हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये मैं क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। मैंने 4 दिन से एक भी मैंगो नहीं खाया है, जो मेरे खुद के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक टाइम पे पाँच पाँच छः छः मैंगोज खाती थी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है बचपन से ही। तो अभी मैंने डाइट शुरू किया है, तो मैं मेरे डाइट के बारे में आगे भी आपको बताने वाली हूँ। सो मी आत्ता बाहेर चालली आहे। मी का चालली आहे हे तुम्हाला पुढे कळेलच, पण मी 18 तारखेपासून म्हणजे जवळपास 2 अडीच महिने झाले आज पहिल्यांदा आमच्या सोसायटीच्या बाहेर आली आहे। आणि तरीसुद्धा आज एवढी गर्दी दिसती आहे मला बऱ्यापैकी। आय डोंट नो लोक कसं न घाबरता फिरत आहेत। ठीक आहे, म्हणजे मोस्टली गरज असल्यामुळेच फिरत असतील, पण तरीसुद्धा तुम्ही सगळेजण प्लीज काळजी घ्या। इट इज सो डिफिकल्ट, प्लीज। वीर 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 सॉरी, ये चल इकडे, ये लवकर वीर वीर। हाय गाईज, वैजय हियर। सो गाईज, मला तुम्हाला काहीतरी दाखवायचं आहे, सो हियर इट इज। ॲक्च्युली हा सगळा जो पसारा दिसतो आहे हा माझ्या रूममधला आहे, यू कॅन सी इट। यहाँ पे बहुत कुछ पडा आहे, इट्स लाईक वॉल्कॅनो ऑफ पसारा, यू नो, द क्लोज, द बुक्स अँड एव्हरीथिंग। तो हुआ ये कि मैं UPSC के प्रिपरेशंस कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं जो हॉस्टल में गई थी, तो वहाँ पे तो मैं 2 महीने रही, लेकिन जब मार्च 18 को मैं जब वापस घर पे आई, तो मेरा पूरा जो सामान है वो वहीं पे रह गया था। तो आज मैं वो सामान लेके आई हूँ। अभी बहुत सारा बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पे, तो अभी मुझे वो सब सॉर्ट करना है। ऊपर से ये जो क्लोथ्स है ये सब मेरी फ्रेंड के है, उसके भी मुझे सॉर्ट करने, क्योंकि वो तो नहीं आ सकती थी, वो बहुत दूर रहती है। तो इसके लिए मुझे ही सब, मतलब उसका भी सामान ठीक से रखना वगैरह पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये है कि अभी मैं सोच रही कि थोड़ा सा, मतलब पूरा कबड़ वगैरह सभी साफ कर दूँ, क्योंकि इट इज़ डेफिनेटली सो मच इम्पॉसिबल। अगर मैंने आज ये साफ नहीं किया, अगर नहीं झालं तर वाटे, कारण झोपायला पण जागा नाही आहे, झोपायला काही बसायला सुद्धा नाही आहे जागा, यू कॅन सी। आज माझा सगळा दिवस ॲक्च्युली याच्यामध्येच गेला। मी पप्पांसोबत दुपारी गेले होते सामान आणायला, आणि मग ते सामान घेऊन आल्यानंतर तसंच खूप वेळ ठेवलं होतं। मग आत्ता फायनली मी विचार केला की चला ठीक आहे, लावूया। सो ओके, मी सगळं करते, मग आपण बोलूया। ये मेरे रूम की बिफोर वाली कंडीशन है, और ये रहा मेरा आफ्टर वाला रूम जो मैंने अभी अभी साफ किया है। तो देखो, मैं बस आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ। ये वाला जो बैग है, ये वाला, इसमें और कबर्ड के अंदर भी है और बहुत सारा। इसमें मेरा वो, मतलब बहुत फालतू वाला मेकअप का सामान है, जैसे कि सिर्फ लिपस्टिक है या फिर सिर्फ नेल पेंट्स है, कंघी है, फालतू के कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है वो सब इसमें मैंने रखा है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा वो हो गया है, इट इज़ सो हैवी। एंड ये मेरे बुक्स है, अंदर तो बहुत सारे बुक्स है अभी कबर्ड में, ये भी बुक्स है। यहाँ पे ये वाले जो क्लोथ्स है, इसमें जो मैं डाल रही हूँ, इसमें एक्चुअली द थिंग इज़ कि ये मुझे आते ही नहीं है। लाइक आई थिंक 6 महीने पहले मला बसत होते हे कपडे, पण आत्ता मी याच्यामध्ये फिट नाही होते आणि ते माझ्या शरीरावरती फिट नाही होते। सो मी फक्त होप करते की लवकर, ॲक्च्युली मी यातलं काहीच नाही फेकत आहे, मी फक्त वाट बघते की मी लवकरात लवकर या कपड्यांमध्ये बसेल, मी त्या शेपमध्ये येईल की मी याच्यामध्ये बसेल। आणि आत्ता घालण्यासारखे इथे या बुक्सच्या खाली जे क्लोथ्स आहेत ना, फक्त एवढेच मला बसू शकतात, एवढेच कपडे मी घालू शकते। म्हणजे इन शॉर्ट सांगायचं तर वाटकुळं झाले सगळं। आणि हो, या कपडमध्ये पण ते नवीन कपडे।
दिस इज हाउ इट लुक्स लाईक. सो प्लीज तुम्ही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा, कारण मी व्हिडिओ बनवत राहणार आहे.